If the sides of a triangle are extended in both sides, then the sum of the exterior angle so formed in both side. देखिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के हम नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी. अब वो इसे एक्सटेंड करने की बात कर रहा है बोथ साइडेड, ये ऐसे एक्सटेंड हुआ और ये इस तरह से इसे आगे ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इसे आगे ऐसे एक्सटेंड कर दिया और इसे ऐसे. ठीक है, इनको नाम दे देते हैं. ये हो गया आपका ई, दिस इज व्हाट डी एंड दिस इज ये, इसे नाम दे दिया हमने एफ. ठीक है, चलिए तो मैं एक बात जानता हूं कि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मतलब एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल पी सी ए और एंगल सी ए डी, इन तीनों को मिलाकर सम 180 डिग्री होगा. ये देखिए यहां पर है ना. अब हम ये देखते हैं कि एक लीनियर पेयर का ए इस लाइन के यहां से लेकर यहां तक के एंगल्स का सम कितना होगा, लीनियर पेयर कितना होगा इसका 180 डिग्री होगा. तो मैं ये देखता हूं कि ए सी बी, ए सी बी प्लस ई सी डी, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी प्लस और ये ए सी डी, ये मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री होगा. So this is what 180 degree. Now A B C, A B C ये वाला A B C और A B F, ये भी कितना होगा मिलाकर, ये भी 180 degree होगा पूरी लाइन. Now last is B A C, is B B A C, ये और ये मिलाकर भी कितना होगा, ये भी 180 degree होगा. तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, अब हमें एक्सटीरियर एंगल्स का सम बताना था. तो हमने ये एक्सटीरियर है, इधर ये इंटीरियर है, सेम दिस एक्सटीरियर, ये इंटीरियर, अब ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर. तो एक्सटीरियर में भी दो है, एक ये ये भी एक्सटीरियर है, सेम ये भी एक्सटीरियर है, यस और नो. तो अपन को क्या करना होगा, जो भी हम एक्सटीरियर निकालेंगे उसको डबल कर देंगे. अभी आप एक बात समझिए, अभी हमने सबको ऐड कर लिया, जब मैंने ऐड कर लिया तो देखिए इसमें ए सी डी, ए सी डी इसमें और इसमें ए बी सी, ए बी सी इसमें और फिर बी ए सी, बी ए सी इसमें, ये तो हो गए इंटीरियर एंगल, मतलब ये तीनों एक दो तीन, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 180 इंटू थ्री इज हाउ मच, 180 इंटू थ्री इज 540. अब 540 के अंदर ये तीनों एंगल्स का सम मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री, तो मुझे इसे माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने इसे माइनस कर दिया, अभी आ गया 360 डिग्री. ये एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन आपसे यहां क्या पूछा है, बोथ साइड के लिए है ना. तो अपन ने क्या किया, फिर उसको 2 से और मल्टीपल कर दिया 360 को, और 2 से मल्टीपल ही करा हमने 360 को, तो ये आ गया 720. तो अगर इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल एक्सटेंडेड इन बोथ साइड, देन द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, बाहरी कोणों का जो आपसे योग पूछा जाए, सम पूछा जाए बोथ साइड बढ़ाने पर, तो वो कितना आएगा 720 आएगा. आप इसे ऐसे प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हो. मैं फिर बता दूं क्या किया मैंने, मुझे मालूम है इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का जो मिलाकर सम होगा वो 180 डिग्री होगा. और फिर मैंने लीनियर पेयर को इस्तेमाल करा, यहां पर क्या होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री. ऐसे ही सेम सिमिलरली यहां पर और सिमिलरली यहां पर, जब मैंने इन सबको ऐड किया तो ये प्लस दिस 180 डिग्री होता है. तो मैंने जब इनको और इनको और इनको जोड़ के रखा तो आया मेरा टोटल, आया मेरा 540, और जिसमें से ये सेंटर के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री मैंने माइनस कर दिया, सो आई 360. सो 360 को मैंने डबल कर दिया क्योंकि बोथ साइड वो पूछा है. थैंक यू. तो आंसर आपका क्या आया यहाँ पर, 720. थैंक यू.